लाखों लाखों लोगों ने स्नान किया है वहाँ पे गंगा जी में, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। ये केवल दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको ही परेशानी हो रही है, और अगर उनको देखना है तो आजम खान जी से मैं कहूँगा कि एक बार गंगा जी में जाके इलाहाबाद में वो भी डुबकी लगा दें और वहाँ पे सही जांच रिपोर्ट दें। वो मंत्री रह चुके हैं, हम विश्वास करेंगे उनकी रिपोर्ट पर, हम विश्वास करेंगे उनकी रिपोर्ट पर, क्योंकि वो आवास विकास के मंत्री रहे हैं, नगर निगम के मंत्री रह चुके हैं, सारा भी उनके पास विभाग था उनके पास, तो वो मैं उनकी पार्टी का मसला है। मेरे हिसाब से तो उनकी पार्टी का मसला है, जिसको बनाए, लेकिन ये बात जरूर हो जाएगी कि अब पहले पावर केंद्र एक था, पावर भी इसमें नहीं थी, पावरलेस केंद्र एक था, अब जो है अब दो पावर के केंद्र हो जाएंगे, कि भाई भी और बहन भी। तो ये पार्टी तो इसी है, भाई बहनों की, माता पिता की, माताओं की, अम्माओं की, भाभीियों की, ये पार्टी वैसी है। दूसरी पार्टियों में और कुछ ऐसी भी पार्टियाँ हैं, कुछ और भी हैं जो स्थानीय पार्टियाँ हैं, वो भी हैं, एक परिवार का हिसाब चलता रहता है उनके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग है, यहाँ पर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई परिवारवाद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो जो मेहनत करता है और जो आगे बढ़ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। समय के साथ साथ हमको आगे बढ़ना है। पहले आपके पास जिससे आप ये मोबाइल आप ले रहे हैं, अब आप बोलोगे कि मोबाइल भी गलत है। अरे अभी तीन राज्यों में आप जीत गए, हमने तो नहीं कहा कि EVM ख़राब है। 10 साल आपने राज किया है सरकार में, केंद्र में सरकार ने राज किया है, 5 साल समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसके 5 साल पहले भेंजी की सरकार रही, वो जीत गए, राज किया 5 साल, तब तो उन्होंने किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, अब काहे को शिकायत कर रहे हैं? इसमें कोई भी तर्क नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो हैक करने वाली बात करिए, उसकी जानकारी निकाली गई है, ना उसके पास कोई डिग्री है, ना वो आदमी कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। ऐसे ही कोई भी आदमी उठाकर खड़ा कर दो और उसको बोल दो आपकी मैंने हैक किया था, कल को तो आपको भी खड़ा कर देगा, कोई भी उठकर अपना माइक लेके अपना बोलता रहेगा, वो अपना ले गए फेसबुक के ऊपर या कहीं ट्विटर पर अपना बोलता रहेगा कि भैया मैंने हैक किया। इस बातों में कोई डर नहीं, सच्चाई ये है, इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है 4.5 साल और अगले बार भी वो जीतने वाले हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने पहले से ही अपनी हार मान ली है और हार का जो है ये बहाना ढूंढ रहे हैं।